एक युवक के घर में 6 से 7 नशा तस्कर घुस गए और उन्होंने उस पर जानलेवा हमला किया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कल सुनने में आया कि एक युवक के घर में 6 से 7 नशा तस्कर घुस गए और उन्होंने उस पर जानलेवा हमला किया। पहला जो अटैक था तेजधार हथियार से हमला किया गया, पहला जो अटैक था सुनने में आया कि गर्दन पर किया गया, लेकिन जब वो गर्दन पर अटैक नहीं हुआ तो उसके बाद बाजू पर अटैक किया गया और उस घायल युवक को अस्पताल में पहुंचाया गया। दरअसल ये जो मामला है ये शामाचक का मामला है, जम्मू के ही आसपास का एक गांव है शामाचक, वहां का ये मामला है। और वहां पर सुनने में आया है कि एक युवक के घर में कुछ नशेड़ी लोग जो थे, नशेड़ी गंजेड़ी लोग, ये घुस गए। पहले ये बाहर चक्कर लगा रहे थे, कोई रेकी कर रहे होंगे, अब क्या मामला था, लेकिन ये उसके घर में घुस कर जानलेवा हमला किया। बड़ी बात यह है कि इनको तो ऐसा लगता है कि डर खौफ रहा ही नहीं है, आए घर में घुसे, जाकर हमला कर दिया। हैरान करने वाला मामला है, क्या कुछ ये मामला है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस युवक पर ये हमला किया गया उसका नाम है शशि कुमार। तो पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे हमला किया शशि कुमार ने, इस विषय पर क्या कहा है वो बताने जा रहे हैं। जम्मू शहर से लगते शामाचक गांव में एक युवक पर उसके घर में घुसकर 6 से 7 युवकों ने कातिलाना हमला कर दिया। हमले में युवक की बाजुओं पर गंभीर चोटें लगी हैं और उसे उपचार के लिए GMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले में घायल हुए युवक शशि कुमार का आरोप है कि उस पर हमला करने वाले युवक आसपास के इलाके में चिट्टा तस्करी का धंधा चलाते हैं, उसका उनसे कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने उस पर हमला कर दिया। शशि का कहना है कि वो जानता था कि ये युवक नशे का धंधा करते हैं, लेकिन उससे कभी उनका कोई विवाद नहीं हुआ। घायल युवक के अनुसार वीरवार को उसके घर में उसकी बहन व जीज अभी आए हुए थे, वो भी अपने काम से कुछ देर पहले ही आए थे। तभी उसने देखा कि उसके घर के बाहर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 से 7 युवक खड़े थे। इससे पहले उसने 2 युवकों को उसके घर के बाहर चक्कर लगाते भी देखा। तभी मोटरसाइकिल वाले युवक घर के अंदर घुस आए और आते ही उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। शशि के अनुसार हमलावर ने उसकी गर्दन पर पहला वार करने का प्रयास किया, लेकिन वो पीछे हट गया। उसके बाद उन्होंने जितने भी वार किए उसने बाजू को आगे कर रोके, जिससे उसकी बाजू पर गंभीर चोट लगी। हमलावरों ने इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे घर के सदस्यों के साथ भी मारपीट की और उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए और परिवार के सदस्यों ने शशि को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे GMC अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका अभी उपचार चल रहा है। वहीं इस संदर्भ में कानाचक पुलिस ने मामला दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार हमलावरों का पता लग गया है, जल्द ही उन्हें काबू भी कर लिया जाएगा। युवक का इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, लेकिन हैरानगी की बात देखे ये है कि ये लोग घर में घुसकर अटैक करने लग गए हैं। नशेड़ी जो है, ऐसा लगता है या तो नशा नहीं मिल रहा है या फिर इनका कोई पैसे का लेन देन था, क्या मामला है, लेकिन ये जांच की जा रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये मामला है क्या। महिलाओं को भी ये लोग बख्श नहीं रहे हैं। महिलाएं अगर बीच बचाव करने के लिए आती हैं तो ये उनके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि जम्मू कश्मीर में इन लोगों कितने हौसले बुलंद हैं, ये कैसे इस पर रोक लगाई जा सकेगी,
इस पर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।